अगर मेरी सास के सामने मेरी धज्जियां उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं होगा। क्या बच्चे पे फजूल रोब झाड़ रही है? अब आरती कर क्या लिख के दो? नहीं जी, वो आरती की थाली लेकर आई है, उसमें आरती का दिया जलाया ही नहीं है। चल आरती कर। उत्तर की आरती कौन करेगा? मुझे मैं करूंगी। चल फितर, अब गृह प्रवेश कर। अरे एक मिनट, मैं तो इतनी उतावली हूँ तेरी शक्ल देखने के लिए कि मैं तो अंदर तक का भी इंतजार नहीं कर सकती। पहले मुंह दिखाई होगी और यही होगी। रब करे टिल्लू की वोटी सोनी हो, तेरे प्रकाश की तो जो है स्वय है। क्या नाम है तेरा? जी अनन्या। बहुत सोना नाम है, बहुत प्यारी है तू, बहुत सोनी है तू। रब करे किसी की नजर ना लगे तेनी। श्वेता की पसंद तो तू है नहीं, जरूर मेरे टिल्लू की पसंद है तू। अरे नहीं नहीं बेबे, इनफैक्ट माँ का तो देखते ही दिल आ गया था अनन्या पे। माँ ने ही एक्चुअली पसंद किया अनन्या को मेरे लिए। अच्छा, लगता तो नहीं। तू तो बस गृह प्रवेश कर। एक काम कर, लोटे को ना किक मार बिल्कुल रोनाल्डो की तरह और आ जा हमारे घर के अंदर। रखते पहला कदम ही डगमगा गया। कोई नहीं, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तू श्वेता की पसंद है। चलो कोई काम तो इसने ढंग से किया। चल भाई टिल्लू, उसे अपनी गोद में उठा और अंदर लेके आ। तो देख क्या रहे हो, उठाओ उसको। अब बहू की पहली रसोई। बड़ा जबरदस्त खाना बनाती है। अच्छा? अरे तुसी मोती महल का खाना भूल जाओगे जी। वैसे तू तो ये सोच, तूने अपने बहू से पहली रसोई में क्या बनवाना है। मेनू की चिंता ना करो, वो सब कुछ आपकी पसंद का है, वो करवा लेगी ना। करवा ही ले तो अच्छा है। प्लीज आप क्या कर रही हो? ये भरा हुआ है। ये अनन्या नाम की लड़की ना कभी मेरी पसंद नहीं थी। मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत नफरत और नफरत है। पिताजी, नील ने कहा तो मुझे करना पड़ा, मैं मना कैसे करता? भाई लड़का अपना है ना। मुझे सिर्फ उसी से नहीं बल्कि आप सबसे नफरत है। अब गॉड्स प्लीज, कोई मुझे जहर ला के दे दो टू डाई फॉर। अरे अरे नहीं नहीं माता जी, अगर क्योंकि बच गए आप तो उसके बाद तो आपको नील सर अंदर कर देंगे, क्योंकि सुसाइड इज अ क्राइम। दखल रयान, जेल चली जाऊं मैं, लेकिन पहले ना इस अनन्या का खून कर दूं तब जेल जाऊं। मॉम मॉम, आपको तो खुश होना चाहिए। सोचिए, आप अनन्या का इस्तेमाल करके बीजी का दिल जीत सकती हैं, उन्हें इंप्रेस कर सकती हैं। जरा सोचिए, आप इतने सालों से ट्राई कर रही हैं बीजी को इंप्रेस करने की, बट एज अ बहू आप कर नहीं पाई।
मेरा मतलब है एज अ सास तो आप कर सकेंगी ना, जब बीजी देखेंगी कि आप अपनी बहू का कितना अच्छे से ख्याल रख रही हैं तो यू नो वो खुश होंगी राइट। जरा सोचिए, जरा सोचिए मॉम, सोचिए मां, जाइए और जाके अनन्या से पहली रसोई बनवाइए, जाइए जाइए। चलो अच्छा, ये मैं एक मिनट। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, आप अपनी भाभी की साइड पर हैं या उनके खिलाफ? अब जब तुम्हें ये पता लग गया है कि अनन्या ही अपनी है तो एक बात है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं किसी की भी साइड में नहीं हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि अवनी के दिल के अंदर जो बदले की आग है वो बुझ जाए ताकि एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ जी सके। घर के काम काज में लगी रहेगी तो शायद उसके दिमाग से बदले का ख्याल हट जाएगा। नील आंटी ने मुझे बताया था कि अवनी के अंदर एक तूफान है और उस तूफान का रुख मैं बदल के उसे शांत करना चाहता हूँ।